ये अपने में दर्शाता है कितने निडर हैं, किस तरीके से खुले आम सबके सामने उनको गोली मारने का काम कि वो उनका निधन हो गया है, वो मर गए हैं, तब तक उन पर वो गोली बरसाते रहे। जिस तरीके से यहाँ पर पवन श्रीवास्तव जी को खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर, वो भी गोली तब तक मारते रहे जब तक अपराधी को इस बात का विश्वास नहीं हो गया कि वो उनका निधन हो गया है, वो मर गए हैं, तब तक उन पर वो गोली बरसाते रहे। ये अपने में दर्शाता है कितने निडर हैं अपराधी, कितनी बेखौफ हैं अपराधी, कितने खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए पूरा घटनाचक्र। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूँ, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी, माताजी, परिवार के तमाम सदस्य, पूरा घटनाचक्र अगर आप देखें, घर से बुलाकर लेकर गए, किस तरीके से खुलेआम सबके सामने उनको गोली मारने का काम किया गया, ये अपने में बिहार की कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अगर इस तरीके से अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, आज की तारीख में बताइए कौन सा दिन ऐसा है भैया जब बिहार के किसी ना किसी जिले में हत्याएं नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पवन श्रीवास्तव जी को खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर, वो भी गोली तब तक मारते रहे जब तक अपराधी को इस बात का विश्वास नहीं हो गया कि वो उनका निधन हो गया है, वो मर गए हैं, तब तक उन पर वो गोली बरसाते रहे। ये अपने में दर्शाता है कितने निडर हैं अपराधी, कितनी बेखौफ हैं अपराधी, कितने खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए पूरा घटनाचक्र। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूँ, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी, माताजी, परिवार के तमाम सदस्य, पूरा घटनाचक्र अगर आप देखें, घर से बुलाकर लेकर गए, किस तरीके से खुलेआम सबके सामने उनको गोली मारने का काम किया गया, ये अपने में बिहार की कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अगर इस तरीके से अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, आज की तारीख में बताइए कौन सा दिन ऐसा है भैया जब बिहार के किसी ना किसी जिले में हत्याएं नहीं हो रही हैं।